अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपने प्यारे रुमैसा के चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, मुझे अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आपकी इतनी प्यारी स्किन का क्या राज है, आपके कलर का क्या राज है, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, बड़ा पिंकिश सा कलर आता है। आज मैं ना आपको ईद से पहले अपने फेस को नीट करने का तरीका बताऊंगी। छोटी सी रेमेडी है, अगर आप कर लेते हैं 8-10 दिन में, इंशाल्लाह ताला आपको इतना ज़बरदस्त फ़र्क फील होगा ना कि आप कहेंगे वाह मैसा यू आर जीनियस इंशाल्लाह ताला। आप पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक लेना है फ्रीज़ किया हुआ टमाटर लेना है, और थोड़ी सी हल्दी और बेसन, ये दोनों को मिक्स कर लेना, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हल्दी और बेसन इसको मिक्स कर लिया है, और ये मैंने हाफ टमाटर ले लिया फ्रीज़ किया हुआ। अभी इसको मैं अपने फेस, फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये मैं आपको ना अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये टमाटर का रस क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने फ्रीज़ किया हुआ लिया है, ये देखें। अब ये सारा मैंने बेसन जो था ना, ये अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। ये मैंने साथ में हल्का सा अपने नेक पे भी, ये देखें, ये सारा, ठीक है। अब इसको हम हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, ज़रा सा ड्राई होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। अब आप ना आहिस्ता से ना अपनी फिंगर के साथ ना इसका मसाज करते जाइए, ये देखिए, क्योंकि ये हल्का हल्का सा ड्राई हो रहा है ना, तो ये देखें जितनी स्किन में गंदगी या जो भी होगा ना वो निकल जाएगा। ये डस्टिंग जो हम डेली रूटीन में बाज़ारों की शॉपिंग है, बाहर जाना आना, ये वो सारी गंदगी जो है ना ये स्किन के बीच से निकल जाएगी इंशाल्लाह। और आप हमेशा एक चीज़, मेरी एक टिप ये भी है कि जब भी अपने फेस के लिए कुछ भी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नेक के लिए भी किया कीजिए, क्योंकि नेक का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपका फेस फेयर है और आपकी नेक ब्लैक है तो बैड इम्प्रेशन आते हैं, इसलिए आप हमेशा अपनी नेक का भी साथ साथ मसाज किया कीजिए, ताकि आपका सेम कलर शो हो। आप तो ये देखें, मैंने मसाज लिया कर, अब अच्छे से ये मैंने ड्राई करके इसको अच्छे से ये देखें उतार लिया सारा। अब मैं आपको फेस वॉश करके तो आपको अपनी क्लियर स्किन दिखाती हूँ जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर। जी ये देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्किन पे कोई चीज़ नहीं लगाई, ये देखें बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। अगर आप ये सिर्फ ईद से कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार मिलेंगे, और आपका फेस ईद के लिए रेडी हो जाएगा। और आप ये जस्ट आप इसको ट्राई मस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखें हर चीज़ को करने, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक तो आप किसी चीज़ के बारे में भी कुछ भी बयान नहीं दे सकते। और दूसरों को देख के हम ये कह देते हैं उसकी ये स्किन ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों लग रहा है, हमारी क्यों नहीं। तो हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे अपने चेहरों पे कुछ भी, आप देखें अगर केयर नहीं करते ना तो पौधे भी सूख जाते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, हमें केयर करना चाहिए अपनी। इसके बाद हल्का सा एलोवेरा का एक फ्रेश लेके पीस अपने स्किन को ग्लोइंग के लिए रेडी करें, अप्लाई करें, फिर इसके बाद आप तैयार हैं, फिर जो मर्ज़ी कीजिए लाइक करने। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ईद के दिन है, हर बंदा बड़ा कॉन्शियस है कि हमारा फेस लुक बहुत अच्छा आना चाहिए। तो अगर आप ये एक दूसरे को शेयर कर देंगे, तो गर्मियां हैं, गर्मियों में स्किन आपकी बर्न हो जाती है,
और अगर स्किन को भी उसके हल्का फुल्का सा उसकी खुराक मिल जाए ना, तो वो फिर से वैसी ही शो होना शुरू हो जाती है। सो आप ट्राई मस्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।